उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक हूँ। और एज यूजुअल मैं निकल रही हूँ अभी अम्मी के यहाँ के लिए। अभी अभी कॉल भी आई थी वहाँ से। एक्चुअली आज आ रहे हैं थोड़े गेस्ट अम्मी के यहाँ। मेरी सिस्टर है ना, उसके स्कूल से टीचर्स वगैरह आ रही हैं मुन्नी से मिलने के लिए। और जो है अभी फ़िलहाल मैंने कोको को जो है खाना दे दिया है, और ये लड़का वो ये जा रहा खाना खाकर। ये कोको साहब जो हैं वो यहाँ पे खाना खाकर जो हैं यहाँ बैठ गए हैं, अपना मुंह साफ कर रहे हैं। तो बस ये है कि भाई जो है रेडी हो जाए तो मैं भी निकलती हूँ। और जो है ये मैंने बनाए हैं दही बड़े। अम्मी भी चीज़ें बना रही थी तो मैंने सोचा एक चीज़ मैं भी बना लेती हूँ। तो अभी पता नहीं है अम्मी ने क्या बनाया है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट मीठे दही बड़े बना लिए। एक्चुअली मेरी बहन बनाती है, वो नमकीन दही बड़े बनाती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा अगर वो दही बड़े बनाएगी तो वो नमकीन ही बनाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मीठे दही बड़े बना लेती हूँ अगर इन केस ने बनाए तो। तो अब ये है कि अब हम निकलते हैं। रयान ये बैठे हुए, रयान की आज तबीयत ठीक नहीं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो वही नज़ला खांसी वगैरह सब चीज़ें, और सर में भी इसके बहुत ज़्यादा दर्द है। तो बस ये है कि अभी मैं इसको ज़बरदस्ती से कुछ खाया हुआ भी नहीं है, तो मैंने कहा वहीं जाके मैं कुछ ना कुछ अम्मी के यहाँ खिला दूँगी इसको। अभी जस्ट मैंने इसको यखनी दी थी। तो बस अब निकलते हैं। भाई असल में रेडी हो रहा है, वो निकल तैयार हो जाए तो फिर हम निकलते हैं। अभी जो है हमने दही बड़े जो हैं वो बिल्कुल ट्रे वगैरह में निकाल लिए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लूँ। ये मीठे दही बड़े, और इसके साथ जो है ये केचप जो समोसे वगैरह होंगे वो उसके लिए होंगे। बाकी इमली की चटनी, ग्रीन वाली चटनी जिससे खानी है वो खा ले। हम लोग ज़्यादा इमली की चटनी खाते हैं, बाकी चाट मसाला और भुनी कुटी मिर्चें। ये रेडी है, गैस जो है वो आ गए हैं, और अभी हम कुछ चीज़ें सर्व कर रहे हैं। तो मैंने बताया था मम्मी ने भी कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो मम्मी ने बनाया है मतलब मेरी सिस्टर ने आलू के कबाब बनाए हैं, उसके अलावा ये चना चाट और मैक्रोनी, इसके अलावा जो है ये समोसे जो हैं वो मंगवाएं, और बाकी जो है ये तो वो लेकर आई हैं। मैंने कुछ ये दही बड़े वगैरह की जो तैयारियाँ करके रख ली जो मैंने पहले से दिखाई थी, अभी इसको हम सर्व करते हैं। अभी अभी जो हैं वो थोड़ी देर हुई उनको गए हुए, तो हम लोग भी तरफ कुर्ता कुछ खा ही रहे थे। और बाकी जो है आज बड़े शौक से जो है रहा ना आराम से, आज जो है वो बहुत शौक से जो है वो व्लॉग बनाना शुरू किया था, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ व्लॉग वगैरह बनाने का। मेरी मुन्नी उठ गई। खैर ये मेरी मुन्नी का कबर्ड, इसमें बड़ा प्यारा लग रहा है वीडियो में। ये तो ये है कि अभी कुछ आज खास बनाया नहीं, लेकिन जो भी मैंने बनाया होगा वो मैं इंशाल्लाह इस व्लॉग के अंदर जो है वो ऐड कर दूंगी। इसके अलावा भी जो है बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हैं, लेकिन जो है बस एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला जल्दी एडिटिंग करके जो है वो सब व्लॉग डालूंगी। रयान जो है ना बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, तो बस ये आने वाले हैं, तो फिर अब हम लोग निकलते हैं। 8:30 हो चुके हैं, तो बस फिर जो है वो घर जाते हैं। आ गए, इनका इनकी कॉल आ रही है। कोको अंदर आइए। आओ अच्छे से पढ़ना, आ जाओ। बाय। कोको जो है ना ऐसे ही यहाँ पर बैठ के वेट करता है, उसको मौका लगता है ना तो ये यहाँ से भागता है। अभी वो भाग नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना कबूतर ही दिखते हैं, या फिर कोई दूसरे बर्ड्स हैं वो ज़्यादातर राउंड अबाउट वगैरह पर होते हैं, बाकी यहाँ पे पूरा आसमान जो है वो खाली ही होता है। ये
किया है नेक्स्ट डे। और जो है मैंने आज सुबह से कुछ ऐसा ख़ास किया नहीं कि मैं वीडियो बनाती, बस ये है कि दोपहर में मैं अम्मी के घर पर गई थी, तो वहाँ पे अम्मी की हेल्प करवाने के लिए, एक्चुअली मुन्नी से मिलने के लिए जो है वो आना जाना जो है वो लगा हुआ है। तो कल जो है मेरी सिस्टर के स्कूल से जो है सारी टीचर्स वगैरह आई थी, और उसके अलावा जो है आज जो है हमारे फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि एक तो चीज़ें अम्मी बना लेती हैं, एक तो चीज़ें मैं बना लेती हूँ, तो इस तरीके से मैं यहीं से जो है वो अम्मी के घर पर ले जाती हूँ, सब वहीं पर ही बैठ के खा लेती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, तो मैं आज जाकर अम्मी की जो है वो हेल्प करके आ गई थी। तो अभी जस्ट मैंने फिर अम्मी को मना किया कि सैलड वगैरह मैं यहीं से बनाकर जो है वो लेके आ जाती हूँ। तो अब ये है कि अभी मैं अम्मी के यहाँ के लिए निकल रही हूँ, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। रेडी क्या, बस कल वाले ही जो कपड़े थे उसको ही पहन लिए हैं, अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ये है कि रयान जो है वो आज बहुत सोया है, उठ नहीं रहा था, तो अभी अभी कारी साहब गए हैं तो ही वो उठाए, वरना उसका अभी भी उठने का नहीं था। तो ये अभी कारी साहब चले गए हैं, तो अब हम लोग निकलते हैं। 8:30 हो गए, पता नहीं वो लोग आ गए होंगे या आने वाले होंगे, पता नहीं। तो बस अभी हम लोग निकलते हैं। ये सारे गिफ्ट्स जो हैं वो हम सबके लिए उपयोग लेकर आए थे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उस वक्त भी कर दिया था और एक बार फिर से। अभी जो है सब लोग जा चुके हैं और हम लोग ने भी जो है सबने खाना वगैरह खा लिया था। अब जो है मम्मी और सिस्टर रह गई हैं, ये लोग खा रहे हैं अभी। अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए, टाइम जो है वो 1:45 हो रहे हैं। रयान को सुबह स्कूल भी जाना है, बस ये शाम में देर तक सो गया था, मुझे पता है ये सोएगा नहीं अभी, तो इसलिए मैं भी देर तक रुक गई। तो अब मैं जा रही हूँ घर पे, बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करूँगी, और अगर कुछ हुआ तो ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ ऐसा लगता नहीं है कि अभी कुछ है ऐसा जो ऐड करूँगी। खैर इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।